इस वीडियो में मैं आपको वर्कबुक सेव करना बताऊंगा कि किस तरह से हम वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। जैसे हमारी ये वर्कबुक है, इसके अंदर मैंने कुछ भी एंट्री की, तो ये एंट्री अब मैं सेव करना चाहता हूँ। जो भी एंट्रीज मैंने की है, जो भी चेंजेस मैंने इसके अंदर किए हैं, इन चेंजेस को मैं सेव करना चाहता हूँ। तो ऑफिस बटन पर आकर सेव पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल एस शॉर्टकट की दबाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसके अंदर हम हमारी शीट का जो भी नाम है, वर्कबुक का जो भी नाम है, वो डाल देंगे यहाँ पे। तो मेरी वर्कबुक का नाम पर्सनल मंथली विजिट 1 है, तो इसको मैंने सेव किया तो ये जाकर सेव हो गया। इसी तरह से हम किसी पहले से बनी हुई फाइल का डुप्लीकेट, मतलब पहले से बनी हुई फाइल को किसी और नाम से एक और कॉपी उसकी सेव करना चाहते हैं, या फिर सेम नाम से अलग लोकेशन पे उसको सेव करना चाहते हैं, तो सेव एज ऑप्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे। तो सेव एज ऑप्शन से वो फाइल जो है उसका नाम हम चेंज कर सकते हैं या फिर उसे अलग लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। मैंने पहले वाली को फाइल को ही एक और अलग नाम से सेव कर दिया। सेव एज करने के लिए हम F12 का भी यूज कर सकते हैं, जो कि इसका शॉर्टकट है, तो डायरेक्ट हमारे पास सेव एज वाला बॉक्स आ जाएगा। और यहाँ पे आप इसको अलग लोकेशन, सपोज मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है तो डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी दो फाइल्स हैं, एक तो पर्सनल बजट 2, पर्सनल मंथली बजट 2 जो कि डेस्कटॉप पे है, और इसी नाम से एक और फाइल मैंने इस फोल्डर के अंदर डाल रखी है। तो इनको अलग अलग लोकेशन पे सेव करना हो आपको बैकअप के लिए, तो सेव इसका यूज कर सकते हैं।